Aunt Jennifer Tigers by Adrian Rich. Class 12, Flamingo, the last of the poems for English in class 12, and last of the poems in Flamingo, conveys a very big message. In fact, it won't be wrong if I say right at the beginning, brevity is the soul of wit. जितना संक्षिप्त में बोलेंगे उतना ही तेज धार उसमें रहती है. लगभग वही बात कवियत्री एड्रियन रिच ने इस कविता में की है. जब वो बहुत छोटी अपनी कविता के माध्यम से बहुत बड़ी बात जो कि पूरे विश्व के सभी तरह के समाज पर लागू हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है. Before we proceed to the poem, let's see. It is about a lady whose name is Jennifer. Poetess, it is a lady who has written this poem, and so she'll be called poetess, not poet. Though in common slang, we can also use the word poet, but then poetess. So Adrian Rich writes the poem Aunt Jennifer Tiger. As the title suggests, there is a lady who is a character here by the name Jennifer, aunt. And about Jennifer Tigers, the poem is written. आपको लग रहा होगा कि जेनिफर नाम की महिला के पास टाइगर है, उसको लेकर एडियन रिच ने यह कविता लिखी है. और जेनिफर के बाद आप एक कॉमा देखेंगे, फिर एस देखेंगे, तो यह होता है जेनिफर का टाइगर. एपोस्ट्रॉफी कहते हैं ऐसे कॉमा को, मैंने पूर्व के अध्यायों में भी बताया है. इट इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी, ए कॉमा विच इज पुट जस्ट बिफोर एस एंड लिटिल अप as it is here, is called apostrophe. And meaning of the apostrophe comma is, यदि हम हिंदी में बोलें तो का या की या के, राम का पेन, राम्स पेन, सीता के बाल, सीताज हेयर, एच ए आई आर हेयर, और एस आई टी ए एपोस्ट्रॉफी एस, तो का या की या के. यहाँ पर पोएटस लिखती हैं जेनिफर के टाइगर्स के बारे में. तो लेट्स नो समथिंग अबाउट द राइटर हरसेल्फ फर्स्ट. राइटर्स नेम इज एड्रियन रिच, बॉर्न 1929, अमेरिका वाल्टिमर मैरीलैंड. अमेरिका की कवियत्री हैं. शी इज फेमस फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, हर कमिटमेंट इन कंटेम्पोररी वीमेन्स मूवमेंट एज ए पोएट. कंटेम्पोररी मतलब क्या होता है? समकालीन. समकालीन जो नारी समस्याएं हैं, समकालीन जो महिलाओं को लेकर विश्व भर में जो आंदोलन चल रहे हैं, उसमें वो सतत रूप से भाग लेने के लिए प्रसिद्ध थी. अर्थात शी वॉज ए बिग सपोर्टर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन. महिलाओं के सुधार के लिए बहुत सशक्त महिला थी. एंड एट द सेम टाइम शी वॉज ए थ्योरिस्ट, सिद्धांत शास्त्री के रूप में उन्हें जाना जाता है. वेयर शी एक्सप्लेन, शी डेवलप सम सिद्धांत, सम प्रिंसिपल्स on how women's condition can be improved and how it has come to this pass over the last centuries or so. So she is basically famous to be a social activist working for the cause of women. She has published
19 volumes of poetry and essays, apart from 3 collections of essays. 19 volumes of poetry, 19 ग्रंथ लिखे हैं और निबंध के 3 संग्रह. उन्हीं निबंधों में उन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है. जैसा मैंने पहले बताया दैट शी वॉज ए थ्योरिस्ट, ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म, मिलिटारिज्म यू कैन फाइंड इन हर राइटिंग. रंगभेद की नीति, सैन्यवाद के खिलाफ बहुत उन्होंने आवाजें उठाई, बहुत प्रतिरोध किया. रंगभेद की नीति अमेरिका के अपने ही देश में उन्होंने जो देखा, काले और गोरे, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के बीच का जो अंतर और समाज में जो डिवाइड था, विभाजन था, उसको उन्होंने अपनी आँखों से देखा, उसका अनुभूत किया और उसी को व्यक्त किया है. अपने विचारों को, अपनी तकलीफों को रंगभेद के मामले में उन्होंने कविताओं के रूप में व्यक्त किया है. और रंगभेद उस दौरान उनके काल में अपने चरम पर था अमेरिका में, जब बड़ा स्पष्ट हो गया था कि समाज 2 भागों में बटा हुआ है, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, चाहे सामाजिक या आर्थिक स्थितियां हो, ब्लैक्स लोगों की स्थिति शोचनीय ही थी. उसके खिलाफ उन्होंने लिखा है. इसके साथ ही शी ऑल्सो रोट अबाउट मिलिटारिज्म, अर्थात सैन्यवाद. ये सैन्यवाद की विचारधारा कहाँ से उनके मन में पनपी होगी? उनका ही काल है जब पूरा विश्व शीत युद्ध के प्रभाव से ग्रसित था. दैट वॉज एन एरा ऑफ कोल्ड वॉर. एंड सो द इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर, द टेंशन कॉज्ड द वर्ल्ड बिकमिंग हॉट बेड ऑफ मिलिट्री आर्म्स, कंट्रीज स्पेंडिंग मनी आफ्टर मनी ऑन मिलिट्री, दैट टच्ड हर हार्ट. एंड एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ ऑफ वीकर सेक्शंस, पुअर वर्ल्ड. एंड सो ऑल इज राइटिंग द इको, उसमें से उसकी गूंज आती. इको माने गूंज, उसमें से उनकी गूंज है लगातार. अब ये आंट जेनिफर टाइगर्स क्या है? जैसा मैंने शुरू में कहा, ऐसा लगता है शीर्षक से कि ऐसे टाइगर्स की चर्चा करना चाह रही हैं उस कविता में, कर रही हैं, जो जेनिफर आंटी का टाइगर हो. शी एड्रेसेस समथिंग एल्स, ए वेरी हार्श मैसेज बाय द स्टोरी. क्या वो वास्तव में उस टाइगर कैप्टिव, जो आंट जेनिफर का पालतू टाइगर होगा या उनकी गिरफ्त में होगा, ऐसे टाइगर की वो चर्चा कर रही हैं, या इसके पीछे कुछ और मैसेज है? इनफैक्ट वो इस कविता के माध्यम से नारी का ही, नारी की समस्याओं का विवरण करती हैं, नारी को होने वाली बाधाओं का विवरण करती हैं, नारी की जो शोचनीय स्थिति है दुनिया में उस पर प्रहार करती हैं, उसको व्यक्त करती हैं, अभिव्यक्ति देती हैं. And she uses tiger as an example for that. So here we come with the stove poem, Aunt Jennifer's Tigers by Adrian Rich, an American poetess. Aunt Jennifer, arthat mahilaye. You imagine that by the name Aunt Jennifer, the poetess means ladies, women folk in the world. The ring and the massive weight, shadi ke baad aane wali kasht, yatnaye, dikkate. That is next symbol. She does not directly say ki ye sab dikkate aayenge, but she says the ring, the weight of the ring will be heavy on woman. जैसे ही महिलाओं की शादी होती है, उन पे वैवाहिक जिंदगी का दबाव आ जाता है. एंड द थर्ड सिंबल इज द टाइगर.
टाइगर इज द सिंबल ऑफ मैनहुड, जो उछल कूद करता रहता है, दुनिया आए दुनिया जाए, कोई जिए कोई मरे, टाइगर अपना सतत रूप से बहादुरी दिखाते रहता है, निर्भय दिखता है, घमंडी रहेगा और उछल कूद करता रहेगा। टू प्रांस मैंने उछल कूद करना, लुक एट दैट बेबी प्रांसिंग सो ब्यूटिफुली, उस बच्ची को देखो कितनी सुंदर से उछल कूद कर रही है। ओ दैट गर्ल इज प्रांसिंग अराउंड, वो लड़की उछल कूद कर रही है, छलांग लगा रही है। तो ये बहादुर कौन है? टाइगर किस चीज का प्रतीक है? जैसे आंट जेनिफर इज द सिंबल ऑफ वीमेनहुड, महिलाओं का प्रतीक हुई है, रिंग वैवाहिक जिंदगी का प्रतीक है, तो इस पोयम में टाइगर किसका प्रतीक है? पुरुष का, पुरुषों का, अर्थात पुरुष लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ता, वैवाहिक जिंदगी हो वो मर जाएं महिलाएं, लेकिन पुरुष लोग जो हैं वो इतने निर्मम हैं, इतने निर्दयी होते हैं कि वो निर्भय होकर उसी घमंड के साथ घूमते रहते हैं जैसे कि टाइगर। सो दिस इज एन अटैक ऑन डोमिनेशन ऑफ वीमेन और मेन ओवर वीमेन, ये पुरुष समाज पर हमला है। ऐसा समाज जहां पर सभी जगह पुरुष हावी हैं और अकारण ही हावी हैं, फॉर नो रीजन। तो व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पोयम, इस कविता का निष्कर्ष क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, सिंबॉलिक रूप से पोएटिस कुछ कहना चाहती है बड़ी कटुवाहट के साथ, क्योंकि पोएट भी एक महिला है, कवियत्री भी एक महिला है, उसे महिलाओं का दर्द मालूम है। शी फील्स द पैंग ऑफ वीमेनहुड, महिला होने की जो तकलीफों का उसने इस कविता में जिक्र किया है और बताने की कोशिश की है कि हाउ वीमेन आर इल ट्रीटेड इन द सोसाइटी, महिलाओं के साथ कैसे समाज में बुरा व्यवहार होता है, और उस बुरे व्यवहार को किस रूप में बताया है, विवाह के बाद कैसे पति उनके साथ बर्ताव करता है, जिससे वो महिलाएं जो हैं वे विवाह के कड़वे अनुभव, विवाह के बाद की होने वाली यातनाएं, तकलीफें, हस्बैंड के द्वारा किए जा रहे अत्याचार, पुरुषों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार आदि को सहती हैं, और यही जो अंदर सहती हैं, इस सहने का परिणाम क्या है? घबराहट, हाथ का कांपना, कंपन। कंपन किस बात की ओर इशारा कर रहा है? घबराहट का। किस बात का घबराहट? किस बात की घबराहट? पुरुषों की, के दबाव की घबराहट। सो द समरी ऑफ द पोयम इज दैट द पोएटिस वॉन्ट टू टेल दैट द वर्ल्ड इज पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल मतलब पुरुष प्रधान समाज। द वर्ल्ड इज पैट्रियार्किकल, पुरुष प्रधान समाज है, एंड इन दिस वर्ल्ड मेल्स आर लाइक टाइगर्स। वट एवर मे हैपन इन द फैमिली इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम, दे आर नॉट स्केयर्ड। पेड़ के नीचे शिकारी हैं फिर भी नहीं डरते, पुरुष लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। दे कीप जंपिंग अराउंड इन दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी, मैन हैव ऑल द फन, दे कैन रोम अबाउट फ्रीली, दे हैव नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई उनमें बंधन नहीं होता, कोई उनके लिए दिक्कतें नहीं हैं, पुरुष स्वतंत्र हैं, जंगल में कहीं भी घूम सकते हैं, दुनिया में कहीं भी, जंगल का अर्थ है दुनिया, किसी भी तरह की बाधाएं या बंधन नहीं हैं।
On the other hand, women, the moment they get married, they are confined to many rules. जैसे ही महिलाओं का विवाह होता है वो बहुत सारे नियमों में बंध जाती हैं, उनको बांध दिया जाता है, बंधन हो जाता है. They are dominated by males because the world is male-dominated society. दुनिया जो है वह पुरुषों, पुरुष प्रधान समाज हो गया है. अफसोस इस बात का है, दिस पोएटिस इज, यू नो, शी इज इन अ डीप एंगर एंड शी सेज, इतने वर्षों से पुरुष प्रधान समाज की बुराइयों की बात हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ सोसाइटी विच इज मेल डोमिनेटेड एंड हैज मैनी इविल्स, लेकिन अंतर कुछ नहीं पड़ा है समाज में. पुरुषों की सोच अभी भी वैसे ही है जैसी पहले थी. आज भी वे महिलाओं को अपने से नीचे ही मानते हों, आज भी वे महिलाओं को बंधन में रखते हैं, आज भी वे महिलाओं को मुक्त नहीं देखना चाहते, उन्मुक्त प्रांसिंग करते हुए नहीं देखना चाहते. खुद प्रांसिंग करेंगे, खुद यहाँ वहाँ जाएंगे, उछल कूद करेंगे, जो करना है करेंगे, लेकिन महिलाओं के द्वारा प्रांसिंग करना, और प्रांसिंग का अर्थ क्या है? प्रांसिंग का अर्थ केवल उछल कूद से नहीं है, यहाँ प्रांसिंग का अर्थ है उन्मुक्त होना, स्वतंत्र होना. द वीमेन आर नॉट फ्री, वीमेन आर इन चेन्स ऑल द टाइम, सम और द अदर काइंड ऑफ चेन इज देयर ऑन वीमेन फोक. That has made them subdued. That has made them weak. And they are called weaker section of the society. Unko samaj ka kamzor varg mana jata hai. Weaker section. Why weak? Who made them weak? These males. These tiger-like male. They have made them look weak. Because they have tortured them. They have treated them badly. They have harassed them. They have ill-treated them all along. They have treated them as second-class citizens, second-grade citizens, with male being the first. No matter how bad males may be, but they are definitely superior to women. ऐसा आपने भी समाज में देखा है. पुरुष कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी पत्नी उससे भी बुरी मानी जाती है. चाहे वो शराबी पुरुष हो, चाहे निकम्मा पुरुष हो, चाहे आलसी पुरुष हो, चाहे गंदे चरित्र वाला पुरुष हो, किसी भी तरह का की बुराई पुरुष में हो तो भी वह अपनी स्त्री से ऊपर ही माना जाता है. दिस इज समथिंग वेरी बैड दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू स्पीक अबाउट, that the writer is trying to speak about, that the poetess, Miss Rich, is trying to speak about. And as I told you right at the beginning, that the poetess has fought for the cause of women. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Prance karna yani kudna, uchal kud karna, chalang lagana. Across a screen. What is that screen? In fact, right at the beginning, let me tell you that Aunt Jennifer jo hai, she is making a, jisko hum Hindi mein kehte hain kadhai karna, kadhai kar rahi hain wo, ek kapde par kadhai kar rahi hain. Aur wo kadhai mein jo unki mukhya design hai, wo hai tiger. यू कैन सी, जो हम लोग भारत में काफ़ी करते हैं, ये विश्व के सभी देशों में इस ढंग की कढ़ाई होती है, वही वो कर रही हैं आंट जेनिफर. और उस कढ़ाई में, इसमें एक रिंग रहता है लकड़ी का, जिसमें कपड़े को फंसा देते हैं और उसको खींच के टाइट करते हैं, एंड देन यू स्टिच ऑन टू इट. दिस इज़ वॉट आंट जेनिफर इज़ डूइंग. एंड द मेन picture, main image is of a tiger.
So she is definitely not, the poet is definitely not talking about a real life tiger. Poet is definitely not talking about a tiger who might be captive at the hands of Aunt Jennifer. No. Poet is talking about an artificial tiger being made out of threads on a piece of cloth, and that piece of cloth is being called a screen. Us kapde ke tukde ko screen kaha hai poetess ne. So Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Usme tiger ko kaisa dikhaya gaya hai? Chhalang lagate hue, koodte hue, as it is here. वो कूद नहीं रहा है रियल लाइफ में, पर कूदते हुए उसको दिखाया गया है. ब्राइट टोपाज अर्थात पुखराज. पुखराज क्या होता है? एक तरह का कीमती पत्थर, पीले रंग का पत्थर, येलो कलर, लेकिन ब्राइट, तेज रंग है उसका. ब्राइट टोपाज डेनिजंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. डेनिजंस मतलब क्या? निवासी, जंगल के निवासी, डेनिजंस, डेनिजंस ऑफ द फॉरेस्ट. ब्राइट टोपाज डेनिजंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ऐसे टाइगर को जो हरे भरे जंगल का निवासी है, ऐसे टाइगर को उस चित्र में उछलते छलांग लगाते हुए दिखाया गया है. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरा भरा, हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ जंगल. डेनिजंस माने निवासी, रहने वाला. कौन रहने वाला जंगल का? टाइगर. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. दे मीन्स हियर द टाइगर. टाइगर जो है वो बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे. बीनीथ माने नीचे. ए बॉटल इज लाइंग बीनीथ द टेबल, काइंडली पिक अप. माय वाटर बॉटल इज लाइंग बीनीथ द टेबल. टेबल के नीचे मेरी बॉटल रखी है, उसे दे दे. बीनीथ द ट्री मींस पेड़ के नीचे. दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते. टाइगर के कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन हो रहा है. पहला डिस्क्रिप्शन हुआ जंगल में जो रहते हैं, डेनिजंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. उसके पहले एक डिस्क्रिप्शन हुआ छलांग लगाते हुए, द प्रांसिंग टाइगर. नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक और विशेषता. कैरेक्टरिस्टिक बने विशेषता. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वे पेड़ के नीचे रहने वाले, पेड़ के नीचे जो आदमी लोग हैं उनसे नहीं डरते. अर्थात क्या? पेड़ के नीचे कौन आएगा? वो भी जंगल में, वहाँ के कोई निवासी नहीं, शिकारी. आप देखेंगे टाइगर्स या लायंस, इनके मूवमेंट को यदि आप देखें तो शिकारी बिल्कुल पास भी चला जाता है, पर ये अपने मंद गति से चलते रहते हैं, ये भागते नहीं, इन्हें डर नहीं लगता. They might turn back and look at you, look at the शिकारी. जो शिकार करने आया हो उसको देखने के लिए भले थोड़ा मुड़ जाएं, लेकिन जो चाल है वो वही मस्त रहती है, अलमस्त तरीके से वो चलते रहते हैं. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. अब ये अगला कैरेक्टरिस्टिक है. They pace. पेस मतलब क्या होता है? चलना, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चलना. स्लीक बिल्कुल पास पास, एकदम पास, बड़े सुंदर तरीके से, बड़ा उसका शरीर जो है, शरीर की बनावट बड़ी चिकनी रहती है. और दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी. शिवैलरिक मतलब शौर्यपूर्ण तरीके से, बहादुरी से, निश्चिंतता, निश्चितता के साथ. सर्टनटी माने निश्चितता, बड़ी बहादुरी के साथ, रॉयल तरीके से, मस्त अपने बादशाह हों ऐसा, बड़े आराम से ये टाइगर्स चलते रहते हैं. दे डोंट फियर एनीबडी, चाहे वो आप
बंदूक की गोली लेके भी खड़े हो जाएं, बंदूक लेके भी खड़े हो जाएं, वो अपना मस्त चलते रहते हैं. सो दिस फोर लाइन्स, थ्रू दिस फोर लाइन द राइटर द पोएटिस टेंड्स टू शो यू द क्वालिटी ऑफ ए टाइगर. यदि उसमें पहली बात तो ये बताया कि ये महिला ऐसा एक टाइगर बना रही है. उस महिला का नाम है आंट जेनिफर. वो टाइगर का चित्र बना रही, इमेज बना रही है, कढ़ाई कर रही है. और फिर पोएटिस टेल्स यू दैट टाइगर्स आर लीस्ट स्केयर्ड अबाउट ह्यूमन बीइंग्स इवन इफ दे आर नियर. बीनीथ द ट्री, जंगल में पेड़ के नीचे खड़े हुए कौन रहते हैं? शिकारी ही तो रहते हैं ना, तो शिकारियों से नहीं डरते. बड़े बहादुरी से, रॉयल तरीके से, मैजेस्टिक तरीके से, इन्हें शिवेलरिक वे, बड़े शौर्यपूर्ण तरीके से वे चलते रहते हैं. दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टनटी. पेस करना मतलब चलना, टू पेस मतलब चलना, थोड़ा तेज चलना, लेकिन वो तेजी उनकी नेचुरल तेजी रहती है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइगर. नाउ आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. जेनिफर जो आंटी हैं, उनकी उंगलियां फ्लटर थ्रू हर वूल. वूल क्या है? वही कपड़ा, वो वूलन कपड़ा है. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पोएटिस इज फ्रॉम अमेरिका, शी इज टॉकिंग अबाउट आंट जेनिफर हु ऑल्सो मस्ट बी ऑफ द सेम नेशनैलिटी. अमेरिका बींग ए कोल्ड कंट्री, यूज ऑफ वूल इज कॉमन देयर. सो द क्लॉथ बींग यूज एज ए स्क्रीन इज वूलन. सो द पोएटिस सेज दैट जेनिफर की जो उंगलियाँ हैं वो हिल रही हैं, फ्लटर कर रही हैं. वो जब कढ़ाई कर रही हैं, कढ़ाई कैसे करते हैं? सुई को डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं, और बड़ा प्रिसीशन चाहिए उसमें. कहीं भी सुई को डाल के कहीं से भी निकालना ऐसा नहीं होता, बहुत प्रिसीशन चाहिए. इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी वेरी कैलकुलेटेड. ईच प्रिक ऑफ द नीडल ऑन द वूल ऑन द क्लॉथ इज वेरी वेरी मेजर्ड. एंड सो हियर जेनिफर आंटी की उंगलियाँ जो हैं वो क्या हो रही हैं? हिल रही हैं, बहुत स्थिर नहीं हैं. उसमें थोड़ी घबराहट दिख रही है, जैसे थरथरा रही हैं. हिल रही हैं मतलब थरथरा रही हैं. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. क्या मतलब हुआ? आइवरी मतलब हाथी दांत. हाथी दांत का जो फाइन नीडल है, फाइन मतलब बारीक, एंड फाइंड इवन द नीडल हार्ड टू पुल. जब उसको सुई को ऐसा डालना है, उसके बाद जब निकालना रहता है तो ऊपर ऐसा खींचना होता है नीडल को, उसको भी निकालने में उनको तकलीफ हो रही है. हार्ड टू पुल, खींचने में उसको भी तकलीफ हो रही है. क्यों? उनके हाथ थर थरा रहे हैं, स्थायी नहीं हैं, या तो घबराहट के कारण या किसी कारण से उनका हाथ जो है वो ठीक से नहीं काम कर रहा है, और वो अपना बिजी है उसी में टांके लगाने में और उसको निकालने में. लेकिन आइवरी की नीडल जो इतनी फाइन रहती है, इतनी बारीक रहती है और इतनी स्मूथ रहती है, वो भी कपड़े से उसको निकालने में उनको बड़ी तकलीफ हो रही है. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. मैसिव मतलब भारी भरकम, वजन किसका? अंकल का. अंकल कौन हुए? आंट जेनिफर के हस्बैंड, उनको पोएटिस ने अंकल कहा है, और इसीलिए कैपिटल में यू है. अंकल का यू इज इन कैपिटल. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. व्हाट इज द वेडिंग बैंड? वेडिंग माने विवाह. विवाह का बैंड जो होता है पट्टा, सामान्यतः विवाह का पट्टा जो होता है वो रिंग रहता है, अंगूठी. अब पोएट को देखिए क्या कह रही हूँ.
पोएट कह रही हैं, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये क्या अंगूठी का वजन बहुत होता है क्या? या यदि मैं कमर बंद जैसे पट्टे की भी बात करूं तो क्या पोएट उसको भारी बोलेगी? पर यहां पोएटस ने कहा है कि भारी वजन है किसका? उस रिंग का वजन बड़ा भारी पड़ रहा है, मानो उसके हाथ इसीलिए कांप रहे हैं क्योंकि वो शादी का जो रिंग है, विवाह का जो रिंग है, उसका वजन बहुत लग रहा है उसको। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स, हाथ में ये जो भारी वजन है वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। आप सोच रहे होंगे पोएटिस कौन से अंगूठी की बात कर रही है जो इतना भारी है कि हाथ नहीं चल पा रहा है। ऐसा नहीं है, देयर इज समथिंग हिडन मीनिंग, इसके भावार्थ को हमको समझना होगा। तो बिफोर आई प्रोसीड अगेन, फर्स्ट फोर लाइन्स आर अबाउट द टाइगर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइगर के बारे में है और इसकी विशेषताएं के बारे में। पहली चार पंक्तियां, कैसे चलता है, कैसा बहादुर है, कितनी शानदार उसकी चाल है, बड़े झुंड में बड़े शानदार तड़ता है, किसी से भी डरता नहीं, निडर है, शिकारी से भी नहीं डरता और मस्त छलांग लगाता है, जंगल का राजा है, डेनिजन्स ऑफ द ग्रीन, शौर्य दिखाई देता है। ये पंक्ति आपको याद रखनी होगी कि टाइगर के माध्यम से कवियत्री ने कुछ क्वालिटीज की चर्चा की है। टाइगर को अब आप दरकिनार कर सकते हैं, यू कैन कीप द टाइगर असाइड एंड जस्ट रिमेंबर एंड इमेजिन द क्वालिटीज दैट द पोएटिस हैज हाइलाइटेड इन दिस पोयम। आपको वो क्वालिटी को आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा जो कवियत्री ने इस कविता की प्रारंभ की चार लाइनों में बताई है, विशेषताओं को। द नेक्स्ट फोर लाइन्स आर अबाउट आंट जेनिफर, दैट शी इज डूइंग समथिंग, शी इज मेकिंग दिस एनिमल ड्रॉइंग, कढ़ाई कर रही हैं वो, लेकिन ऐसा करते हुए उनके हाथ कांप रहे हैं, उंगलियां कांप रही हैं। एंड देन पोएटिस सेज कि शायद ये उंगलियां वेडिंग रिंग के वजन के कारण कांप रही हैं। वेडिंग रिंग जो उसके हस्बैंड ने उसको पहनाया होगा विवाह के समय, हमारे समाज में भी ये कस्टम है कि विवाह की सुनिश्चितता के लिए बिफोर मैरिज एक्सचेंज ऑफ वेडिंग रिंग्स होता है, सात फेरे और वेडिंग रिंग को देना, पहनाना, ये विवाह की, विवाह पूरे होने की प्रक्रिया की निशानी है। सो द पोएटेस हियर इन द सेकेंड फोर लाइन्स शी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट द वूमन इज डूइंग एंड हाउ शी इज डूइंग। एक और टाइगर ना शानदार मस्त चाल में कूदता हुआ दिखाई दे रहा है जो बना रही है, दूसरी ओर वही महिला अपनी उंगली नहीं चला पा रही है, और फिर उसमें कहता है शायद उसकी जो अंगूठी है वो उसके उंगली पर बहुत भारी तरीके से बैठी है, अर्थात भारी पड़ रही है। अंगूठी कैसे भारी पड़ेगी, इसको पोएटिस ने अगली चार लाइनों में बताया है, वेरी इंटरेस्टिंग। द पोएट स्पीक्स अबाउट दिस वेट ऑफ रिंग इन द नेक्स्ट पैराग्राफ।